के बंधु अग्रवाल मामले में हत्याकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुना। इस मामले में लोकेश गार्ड और बॉडीगार्ड इन तीनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। काफ़ी जल्दी इस मामले का निष्कर्ष निकला है, इसका फैसला निकला। आपको बता दें कि 6 मार्च 2019 को इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई थी, इनको गोली मारकर दिनदहाड़े इनकी हत्या की थी। इस वक्त हमारे साथ उनके पिता ओम प्रकाश अग्रवाल जी, हम उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कोर्ट का ये जो फैसला आया इससे कितना खुश हैं और इतनी जल्दी जो फैसला आया इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो सर, जो हादसा वो काफ़ी दर्दनाक हादसा था, 2019 में घटना हुई और कोर्ट ने फैसला सुनाया है, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर आप? कोर्ट के फैसले से तसल्ली तो हुई है, लेकिन फांसी की सज़ा होने से वो बहुत बढ़िया होता, हमारा तो परिवार पूरा ख़त्म हो गया इसके चलते। के दो बेटे थे हेमंत और महेंद्र, क्या उम्र थी जब ये हादसा हुआ था और उस दिन आपको कैसे इसके बारे में जानकारी मिली थी? हम और हमारी धर्मपत्नी दोनों रांची गए हुए थे, उसी के लिए भेंट हो गया, नहीं तो नहीं भेंट होता। क्या बोलकर वो निकले थे शाम में, मतलब? तो शाम को कि हम लोग जा रहे हैं, लोकेश चौधरी आज बुलाया है, पैसा देगा, और फिर उसके बाद से फिर कोई ट्रेस आउट नहीं हुआ। फिर रात में जब 9 बजे तक नहीं आए तो हम लोग लालपुर थाना गए, वहाँ जाके FIR किया गुमशुदगी का। उसके बाद में फिर यही कहानी है, रात में पेट्रोलिंग किए दो बहन हम राउर ही लालपुर और अरगोड़ा थाना, ये दोनों बहन रात भर पेट्रोलिंग की अशोक नगर में, तब जाके रात में तो पता नहीं चला, लेकिन सवेरे फिर खोजने से समझ में आया कि यही लोकेश चौधरी का ऑफिस है, वहीं पर फिर पुलिस आया, तब जाके पता चला कि इसी में है। मोबाइल से ट्रेस आउट होने से मालूम हुआ है। क्या जब ये हत्या की गई इसके पहले भी कभी इस तरह से लोकेश का बर्ताव रहा था, कभी आप लोगों को ऐसा संदिग्ध लगा कि शायद ये इस तरह की हरकत या करतूत कर सकता है कभी? ना, हम लोग तो माने वहाँ नहीं रहते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं था कि ऐसा घिनौना अपराध कर सकता, माने वो भी फैमिली वाला आदमी था इसलिए ऐसा। ये जो फैसला सर आया है काफ़ी जल्दी आ गया, इस दौरान पुलिस का कितना सहयोग रहा, प्रशासन का कितना सहयोग रहा, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पुलिस का सहयोग बढ़िया रहा और प्रशासन का भी, कोर्ट का भी बहुत बढ़िया फैसला आ गया, जल्द से जल्द, इतना जल्द उम्मीद नहीं इतना जल्दी फैसला आने का। लेकिन सर आपके कुल कितने बच्चे थे जब ये हादसा हुआ, उस वक्त घर का माहौल कैसा था? अभी तक भी शायद आप लोग उभर नहीं पाए होंगे उस हादसे से। लोकेश चौधरी के फरार के बाद में जब सरेंडर किया दिसंबर 20 में जब सरेंडर किया, तो 15 दिन बाद में हमारी वाइफ धर्मपत्नी एक्सपायर कर गई उसी गम में कि अभी निकल क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यही सोच के। और उन दोनों के बारे में जानकारी चाहेंगे कि वो मैरिड थे, फिर कैसे आगे उनके फैमिली को आप लोगों ने किया हेल्प? मैरिड थी तो सबसे पहले तो महेंद्र को जो इशू नहीं था तो उसका झरिया में शादी कर दिए, और इसको एक बच्चा हेमंत को एक लड़का एक लड़की था, इसको तो दो बच्चा कोई लेना नहीं चाहता जल्दी आजकल, लेकिन एक परिवार मिला उड़ीसा में तो दोनों का शादी, दोनों सेटल्ड। आपने जो इनिशिएटिव लिया, अपना बच्चा भी खोया, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सही ढंग से आपने अपने फैमिली को संभाल कर रखा है सर, कैसे आपने मैनेज किया इस दौरान? काफ़ी उतार चढ़ाव था, कोर्ट में भी जाना था, केसेस भी लड़ना था और घर को भी देखना था। सब भगवान का ही आशीर्वाद मानेंगे।
तो बिल्कुल आपने सुना, हमने बातचीत की यहाँ पर उनके पिता से और बताया इन्होंने कि आज भी उस गम से ये नहीं उभर पाए। इतना दर्दनाक हादसा था, एक साथ दो बेटों को खोना और उसके बाद कोर्ट में लगातार इंसाफ की लड़ाई लड़ना, अब जाकर इंसाफ आया जिससे संतुष्ट। हालांकि इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि शायद इन लोगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, अब देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो उम्र कैद की सज़ा इतनी जल्दी आई, इस दौरान इन्होंने बताया कि पुलिस का भी काफ़ी समर्थन रहा, परिवार को भी साथ लेकर चले। इस हादसे के बाद इस गम में इनकी पत्नी यानी कि उन दोनों की माँ भी गुजर गई, तो काफ़ी दर्दनाक रहा। लेकिन कहा जाता है कि हमारे यहाँ न्यायालय में वक्त ज़रूर लगता है लेकिन इंसाफ मिलता है, तो इंसाफ का एक जीता जागता उदाहरण यहाँ हमने देखा धुआंटाड़ के इस बंधु हत्याकांड मामले को लेकर। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।